हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। जनरली जो रॉकेट्स होते हैं वो हमेशा सीधे जाते हैं, लेकिन हमारे खून के अंदर टाइटेनियम है, हम रॉकेट को किसी भी तरीके से कर्व कर सकते हैं। जी हम ऐसे 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 मोड़ तोड़ मरोड़ के भी उस रॉकेट को चला सकते हैं। कैसे अभी बता पड़ेगा, बस लौंडे आ जाए पाइप लेके आ रहे हो। जी गाइस हम इस चीज को पाइप की मदद से करने वाले हैं। आज से 2 साल पहले भी हमने इस चीज को ट्राई किया है, जो पुराने टाइटेनियम आर्मी के मेंबर है वो अच्छे से जानते हैं। तो गाइस यार इस ट्रिक के लिए, जी हाँ गाइस, जिस तरीके से बुलेट हमेशा सीधी जाती है लेकिन कुछ महान लोग उससे भी कर्व कर देते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम कर्व करेंगे, मोड़ेंगे रॉकेट को। जी हाँ गाइस, ये जो रॉकेट्स हैं जो कि हमेशा सीधे जाते हैं, इन्हें हम चलाएंगे टेढ़े मेढ़े ऐसे वैसे। और यकीन मानो जो लोग पहले से जानते हैं वो तो जानते हैं कि भैया टाइटेनियम आर्मी क्या चीज़ है, तो काफ़ी लोग अभी नए भी जुड़ गए हैं। तो 2 साल पहले वो मेरी फेवरेट चीज़ थी, आज भी फेवरेट है, आज नए लोगों के साथ में इस चीज़ को ट्राई करते हैं। यकीन मानो वीडियो पूरी देखना, यकीन मानो आपको बहुत मजा आएगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और जिन्होंने किया है आए, आए, क्या बोलूं उनको तो दिल से लव यू, और जिन्होंने नहीं किया फटाफट से कर लो और हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। यार तू धीरे बोला यार, ये धीरे बोला, तेज बोल। शुरुआत करते हैं और तेज, शुरुआत करते हैं और तेज, शुरुआत करते हैं और तेज। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस यार इस ट्रिक के लिए आप देख सकते हैं कि हम इस टाइप के एक पाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो पाइप है काफी लंबा है, सबसे पहले तो मैं चप्पल खोलता हूँ और तेजी से भागता हूँ, इसको सीधा करता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि जो पाइप है वो बहुत ज्यादा लंबा है, इतना लंबा पाइप है कि आप सोच तो सकते हैं, लेकिन मतलब काफी लंबा पाइप है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रॉकेट को सीधा चला के देखेंगे कि रॉकेट जो है वो बिल्कुल सीधा इसके अंदर ट्रेवल कर पाता है या फिर नहीं, यानी कि पाइप के अंदर चलेगा भी या फिर नहीं। पिछली बार हमने इस टेस्ट को किया था 50 फीट के साथ में, इस बार ये पाइप बहुत ज्यादा लंबा है, लगभग 100 फीट। तो चलो अभी ट्राई करते हैं थार पे बैठ के। तो सबसे पहले लेते हैं रॉकेट और रॉकेट की जो डंडी है उसे हम तोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, और अब इसे लगाते हैं यहाँ पर और टेस्ट करते हैं कि 100 फीट ये पार कर पाता है या फिर नहीं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करते हैं, चलाओ। सो स्मूथ। कितना धुआं निकलता है, उधर मैं ब्लोअर चलाता हूँ फिर देखना इधर से कितना धुआं निकलता है, चलाओ। इतना धुआं, बस इतना धुआं एक रॉकेट के अंदर निकला, बाकी यार मेरे होश उड़ गए कि मतलब ये हो कैसे गया, इतने फास्ट सोचने का भी टाइम नहीं मिला। एक बार और चलाओ, अभी देखते हैं, ध्यान से देखना ध्यान से। ये रहा रॉकेट, ये गया इसके अंदर और ये लगा दिया आग। अनबिलीवेबल। This is insane, so fast. अब क्या करते हैं? पाइप को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से टेढ़ा कर दिया, ये मैंने यहाँ से भी टेढ़ा कर दिया, और ये मैंने यहाँ से भी टेढ़ा कर दिया, बस इतना। और ये टेस्ट होने वाला 100 फीट पाइप के अंदर, ठीक है गाइस। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा, देख सकते हैं। अभी मैंने बना दिया है पाइप को सांप, अब देखते हैं कि ये टेस्ट काम करता है या फिर नहीं। पूरे 100 फीट का पाइप है गाइस, पिछली बार हमने लगभग 30 से 50 फीट के आसपास में इस चीज को ट्राई किया था। अनबिलीवेबल यार, मैं खुद शॉक्ड हूँ इस बार। तो रॉकेट कम ऑन, 3 2 1 फायर। कर्व
करने के बाद भी ऑलमोस्ट हमारे रॉकेट ने इसे क्रॉस कर दिया सांप के अंदर भी। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम गाइस, नेक्स्ट रॉकेट फायर इन 3, 2, 1। अब देखते हैं कि अब क्यूआर पार होता है या फिर नहीं। पाइप के अंदर से आवाज आती है बूम। अब इसे लेके जाते हैं और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, और भी ज्यादा इसे साफ बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा पाइप छोटा करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 80 फीट कर लेते हैं अब, क्योंकि लगभग 10 फीट जो है रॉकेट क्रॉस नहीं कर पा रहा। लेकिन यार इतना क्रॉस कर रहा है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी टेढ़े मेढ़े रास्ते के अंदर। थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओ भाई साहब, ये पाइप बहुत ज्यादा गर्म हो गया यार। मतलब एक रॉकेट के अंदर इतनी हीट निकली कि यहाँ से इसने इसे मेल्ट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब करते हैं इसे और भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा साफ बनाते हैं साफ। गाइस इस बार हमने रास्ते को और भी ज्यादा टफ कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मोड़ है, यहाँ पे भी मोड़ है, फिर से एक बड़ा मोड़ है, फिर से एक और मोड़ और फिर से मोड़। तो आप समझ सकते हैं कि रॉकेट को कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ से क्रॉस करने के लिए। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं यार। रॉकेट फायर इन 3, 2, 1 फायर। सक्सेस, इतना सा चूक गया बस, इतना सा। एक बार और ट्राई करते हैं, मजा आ गया यार, इतना करो हो गया रॉकेट। रॉकेट फायर इन 3, 2, 1 फायर। और मार जल्दी। सक्सेस। अभी इसको और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं। अब मैंने इसका यू बना दिया, यानी कि इधर से रॉकेट छोड़ेंगे और यहाँ से निकलना चाहिए बिल्कुल मेरे पास से। लेट्स ट्राई। ऑलराइट गाइस, रॉकेट फायर इन 3, 2, 1 लाइट्स ऑफ। वाओ, लाइट जला। देखो यू बना रखा पूरा यू, और यू के अंदर से देखो पाई रॉकेट किस तरीके से गया। ये तो जोरदार था यार, एक और लॉकेट ला, लॉकेट ला, लॉकेट। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल, इस बार पूरा गोला मैंने बना दिया है। यहाँ से रॉकेट जाना चाहिए गोल गोल रानी, गोल गोल रानी, और यहाँ से निकलना चाहिए तब मजा आएगा। तो बाबा चला, मैं इसको संभाल के रखता हूँ पाइप को, अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। बाबूजी जरा धीरे चलो, पूरा राउंड काटा है इसने, पूरा राउंड, सिर्फ कर्म नहीं हुआ है, पूरा रोल गोल रानी, गोल गोल रानी, यहां से जलाया, यहां से बाहर निकला, कमाल हो गया। जय माता की। 3, 2, 1 फायर। अभी देखना तेरी दो। देखा 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 तुमने, देखा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो।
गाइस इस बार थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल ट्राई करते हैं। इस बार पूरा सर्कल बनाते हैं, पूरा बिल्कुल गोल राउंड, और फिर इन दोनों मुंह को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये गोल 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 घूम पाता है या फिर नहीं। ठीक है गाइस, इसके बाद में पाइप फट भी सकता है क्योंकि निकलने का कोई भी रास्ता हमने नहीं छोड़ा है। चला लगा पग रख। लाइट ऑन गाइस, अभी देखना, लगाओ इसमें ब्लोअर चलाओ, अभी देखना गाइस, देखना, एक दो तीन चला, वाह रॉकेट आ गया, ये बाहर निकल गया रॉकेट, ये निकल गया। तो गाइस यार इतना मजा, तो पिछली वीडियो को जिसे हमने 2 साल पहले बनाया था उसमें भी नहीं आया था क्योंकि उसके अंदर हमने इस तरीके से ट्राई नहीं किया था, इस वाली के अंदर तो यकीनन मजा आ गया यार। आपको भी आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट इसकी वीडियो के अंदर, इसकी नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट, जिसकी भी नेक्स्ट, सबकी नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।